महाराष्ट्र में नवनीत राणा की गिरफ्तारी ने राज्य में जमकर बवाल खड़ा किया है। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल महाराष्ट्र पुलिस पर उठे, एमवीए गठबंधन पर उठे और अब इन सब के बीच में शरद पवार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में 21 वर्षीय एक छात्र को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस के इस एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है और राज्य से पूछा है क्या वो उसकी रिहाई के लिए नो ऑब्जेक्शन देगी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएन जाधव की पीठ ने अभियोजक से इस मामले के संबंध में गृह विभाग से निर्देश लेने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि अगर वो स्वेच्छा से उसकी रिहाई का विरोध नहीं करने का फैसला करते हैं तो राज्य की कृपा बचेगी। कोर्ट एक फार्मेसी छात्र निखिल भामरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इस छात्र के खिलाफ पोस्ट करने पर दर्ज मामलों को चुनौती दी गई है और रिहाई की मांग की गई है। सोमवार को पीठ ने कहा पवार भी एक छात्र को एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहने की मंजूरी नहीं देंगे। हाँ, पीठ ने हालांकि पवार के नाम का जिक्र नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीठ का ये कहना था कि पहले शरद पवार से इस मामले में बातचीत की जाए कि क्या वो भी एक छात्र को इतने समय तक जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। शरद पवार पर कई तरह के सवाल खड़े हैं, अब इन सवालों का जवाब वो क्या कह के देते हैं आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।